News Divine, the official broadcast of the Nirankari Mission. Nirankari Mission ki gativadhiyan dekhiye har mahine ki 10 tarikh ko News Divine mein. The blissful journey of spiritual and social contributions. News Divine. News Divine, news from the divine world of Nirankari Mission. Har mahine ki 10 tarikh ko ek naye episode ke liye dekhte rahiye News Divine. www.nirankari.org par. It is said, a spiritual journey is becoming what one has always meant to become and always was, that is, one with God. दोस्तों, हम हर महीने News Divine के माध्यम से आप सभी तक निरंकारी जगत से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियों की जानकारी लेकर आते हैं. इसमें ना सिर्फ आप निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई स्पिरिचुअल और सोशल एक्टिविटीज से रूबरू होते हैं, बल्कि सतगुरु बाबा जी के साथ साथ देश विदेश में बसने वाले तमाम भक्तजनों के पावन दर्शनों का भी लाभ उठाते हैं. सितंबर महीने की खबरों में मैं हूं आपके साथ समता. नमस्कार, धन निरंकार. तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से. हेडलाइंस ऑफ द मंथ. सेल्वेशन टूर्स ऑफ हिज होलीनेस, मिशन ओवरसीज, एसएनसीएफ डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज. और अब खबरें विस्तार से. दोस्तों, समय निरंतर गतिवान है और इस गतिवान समय के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना ही जिंदगी है. और जिंदगी वो सफर है जिसमें ठहराव की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, बस निरंतर चलते जाना है. सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का हर कदम जन कल्याण के लिए निरंतर बढ़ता रहता है. सितंबर के महीने में सतगुरु बाबा जी और पूज्य माता जी ने विभिन्न स्थानों पर जाकर मानवता का कल्याण किया. आइए देखते हैं ये रिपोर्ट. कल्याण यात्राओं की लड़ी में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और परम पूज्य माता जी ने सितंबर के महीने में भी अनेकों स्थानों पर जाकर भक्तों को कृतार्थ किया, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा मुख्य स्थान रहे. सद्गुरु बाबा जी का ये काफिला दिल्ली से चलकर मोदीनगर और फरीदाबाद के श्रद्धालु भक्तों को निहाल करता हुआ 13 सितंबर को पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचा. यहां पर भक्तों ने दिव्य युगल का भावभीना स्वागत किया. तत्पश्चात अपने अगले पड़ाव हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए. रास्ते भर स्थान स्थान पर भक्तों को निहाल करता हुआ ये सत्य पथ का कारवां हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंचा, जहां पर एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. सत्संग कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी भरपूर संख्या में श्रद्धालु भक्तों का आगमन हुआ. सद्गुरु बाबा जी ने भी भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया और अपने अगले पड़ाव बिलासपुर के लिए रवाना हो गए. रास्ते में सुबाथू में भी भक्तों को भरपूर दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला. तत्पश्चात सद्गुरु बाबा जी का ये कारवां 17 सितंबर को बिलासपुर पहुंचा. इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद एवं स्थानीय विधायक ने भी उपस्थित होकर सद्गुरु बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया. यहां पर आयोजित सत्संग कार्यक्रम में हुजूर बाबा जी ने विश्व बंधुत्व का संदेश दिया. मिशन के नौजवान इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि हमने इस धरती को दीवारों के बगैर रूप देना है, वरना वो भी नौजवान है जो इतने हानिकारक हथियार लेकर जाने लिए चले जा रहे हैं, जहाँ पर मनों में जहर भरे हुए हैं, वो भी नौजवानी की उम्र है. लेकिन वो नौजवानी की उम्र अभिशाप है इस धरती के लिए. तो इस तरह से एक वो भी है जो नौजवानी की उम्र में एक दूसरों के लिए नुकसान का कारण बन रहे हैं, उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इधर सदुपयोग हो रहा है जो ये शक्ति मालिक दातार ने प्रदान की है. इसके बाद हुजूर का आगमन मंडी जिले के चैल चौक में हुआ. यहाँ पर सद्गुरु बाबा जी ने अभिलाषी विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर युवाओं को सही दिशा में अग्रसर होने का आशीर्वाद दिया.
तत्पश्चात मंडी जिले के गोहर में नव निर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया और 18 सितंबर को सुंदर नगर पहुँचे। सुंदर नगर के मेला ग्राउंड में भव्य सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ पर अनेकों वक्ताओं ने अपने अपने भाव प्रस्तुत किए। सदगुरु बाबा जी ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया और हमीरपुर के लिए रवाना हो गए। हमीरपुर जाते समय रास्ते में रुककर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते रहे। हमीरपुर के पुलिस ग्राउंड में आयोजित सत्संग समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सदगुरु बाबा जी का स्वागत किया। उपस्थित जनसमूह को आशीर्वाद प्रदान करते हुए सदगुरु बाबा जी ने फरमाया, ऐसी घड़ियां ऐसे पल जो प्राप्त होते हैं ये मुबारक हुआ करते हैं। ऐसी घड़ियां ही मुबारक मानी जाती है, ऐसी घड़ियों की ही कीमत होती है जो इस सत्य का संग करके बीते हैं, जो महापुरुषों के संग बीते हैं। तत्पश्चात सत्यपथ का ये कारवां 20 सितंबर को जोगिंदर नगर पहुंचा, जहां पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में भरपूर संख्या में भक्तों के अलावा अनेकों गणमान्य सज्जन भी उपस्थित थे। यहां पर भी हुजूर बाबा जी ने भक्तों को आशीर्वाद दिया और कांगड़ा की ओर चल पड़े। कांगड़ा के रामलीला ग्राउंड में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में अपार जनसमूह उमड़ा हुआ था। सत्संग कार्यक्रम में अनेकों भाषाओं और संस्कृतियों का संगम हुआ। सदगुरु बाबा जी के प्रवचनों के पश्चात ये काफिला चंबा के लिए रवाना हो गया। कांगड़ा से चंबा की ओर जाते समय रास्ते में शाहपुर, सारनू, रजईखेत और चुवाड़ी में भी भक्तों को सदगुरु बाबा जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चंबा की यात्रा के दौरान मूसलाधार बारिश हो रही थी। यहां पर एक विशाल सभागार में सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। समारोह में अनेकों वक्ताओं ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। अंत में हुजूर बाबा जी ने फरमाया, जो से जो कमली अल्लाह वर्षे में जाए मिला तेना सजना तुटो नाही ने, कि चला ते पिजे कमली रहा ते टुटे न्यो, कि ये चलना कबूल करते हैं चाहे कमली भीग जाए लेकिन रुकना नहीं कबूल करते ताकि प्रीत ना टूट जाए। तो इस तरह से इस प्रीत को ही ये निभाते चले जाते हैं और इस निराकार का शुक्र शुक्र करते चले जाते हैं कि दातार तेरा शुक्र है, तूने ये घड़ियाँ दे दी हैं, तूने ये पल छिन दे दिए हैं, ये कभी कभार हिस्से में आते हैं, ये दातार तेरा शुक्र है। तत्पश्चात इसी दिन देर रात्रि को प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी में सदगुरु बाबा जी का आगमन हुआ। डलहौजी में बनी खेत के सामुदायिक भवन सभागार में सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। यहाँ पर डलहौजी की SDM सुश्री ऋचा शर्मा ने सदगुरु बाबा जी का डलहौजी पधारने पर स्वागत किया। सत्संग समारोह में जम्मू कश्मीर एवं पंजाब के अनेकों शहरों से भी भक्तजन उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए। सदगुरु बाबा जी ने सभी को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। इसी तरह 25 सितंबर को पंजाब के तलवाड़ा में, 26 सितंबर को नवा शहर में और 27 सितंबर को सुनाम में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त सम्मिलित हुए। यहाँ पर सदगुरु बाबा जी ने भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, इंसानी रूप जड़े बने हैं जो मालिक ने रचना रची है, तो इस विच साढ़े मना दे विच भी कदरों कीमत होनी बड़ी जरूरी है कि किस तरह के नाल असी दूसरे नू असी नीवा ना मनीए, असी अपने आप नू उत्तम ना मनीए, भावें वह जेंडर के हिसाब के उत्ते है, भावें वह जाति के आधार के उत्ते है, भावें वह मज़हब के आधार के उत्ते है, भावें वह संस्कृति के आधार के उत्ते है, भावें वह कौमां के आधार के उत्ते है, भावें बिरादरियां के आधार के उत्ते है, भावें इलमां के आधार के उत्ते है, भावें तरक्कियां के आधार के उत्ते है, कितें भी सानू ये कॉम्पलैक्स साढ़े मना विच ना आ जाए, अपने आप नू असी हंकार दे रोग दे नाल ग्रस्त ना कर बैठिए और दूसरियां नू नीवा मनन लग पईए, दूसरियां नू लताड़न लग पईए, ये हरगिज़ साड़ी अवस्था ना होवे, साड़ी सोच विच गिरावट ना होवे। तत्पश्चात 28 सितंबर को हरियाणा के टोहाना में भी भक्तों ने सदगुरु बाबा जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया और इस तरह स्थान स्थान पर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए लगभग 15 दिन की कल्याण यात्रा के बाद सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने काफिले सहित 29 सितंबर को दिल्ली पहुंचे। तत्पश्चात 30 सितंबर को दिल्ली में निरंकारी कॉलोनी के समीप ढाका के गांधी आश्रम में एक विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया।
जिसमें गांधी आश्रम के प्रबंधकों ने सदगुरु बाबा जी का भावभीना अभिनंदन किया। यहां पर हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तों को संबोधित करते हुए हुजूर बाबा जी ने फरमाया, महात्मा गांधी जी की भी मशहूर वो पंक्ति कि बिकम द चेंज यू वॉन्ट टू सी, बिकम द चेंज स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, अपने से आरंभ करो। चेंज चेंज के दुहाई तो दे रहे हो, परिवर्तन की दुहाई तो दे रहे हो, यू बिकम द चेंज विच यू वॉन्ट टू सी। जो बदलाव देखना चाहते हो वो अपने से आरंभ करो, अपने से वो यात्रा आरंभ करो। After the report on regional salvation tours, now it's time to move towards our next section. But before that, let's take a short break. Welcome back. Let us look into the news under our next section, Mission Overseas. Look at this report. The SNM Melbourne branch was honored by Federal Member of Parliament Alan Touch at the Aston Award 2015 on 4th of September at the City of Knox, Victoria. The branch received two awards at the ceremony as runners-up and finalist in Community Achievement Awards category. A World Without Walls. An interfaith session was organized by the Fort Lauderdale chapter at the Northwest Regional Library in Coral Springs, Florida on September 12, 2015. Representatives from Christianity, Hinduism, the Brahma Kumari organization, and Florida House of Representatives shared their thoughts on A World Without Walls. But we're not called to be successful, we're called to be faithful. And I think as we participate in dialogues such as this, it's about building a culture, a world without walls. But the truth is, God is not Hindu, he's not Christian, he's not Muslim, he's not a Sikh, he's not Buddhist. God's God. The collective energy of the soul, which will be unleashed, and I would like to say, refer to it as the atomic bomb that will then dissolve and break down all the walls. That is his word. They're saying, I'm seeing God Almighty with both eyes, and I don't see anything without God. Then the walls are broken. Oh, I love today's session. Anytime you can get so many different cultures, so many different religions, so many different races under the same roof with the same theme that there is one God and we are all brothers and sisters, it's just a wonderful experience. Just the last thing that struck a chord with me that even brought tears to my eyes was Vasudeva Kutumbakam. It was a reminder that we really are all part of one family. Message across, if at all the mission needs any kind of support from my side, I will be there to make sure that the word is spread. One person at a time, trying to help everybody in our community. World without walls, bridging humanity, peace by peace. The Heart and Stroke Foundation, in collaboration with RBC and the Sant Nirankari Mission, hosted a free health screening clinic on Sunday, September 27, 2015, from 1 p.m. to 5 p.m. at the Center for Oneness located on Bowie Drive West in Brampton. The motivation behind the clinic was so that South Asians could become aware of the high risk they have for cardiovascular diseases and take action towards living a healthy lifestyle. During the event, more than 350 community members aged 18 and older were screened for cardiovascular risk factors. Certified nutritionists for diet advice and on-site physicians and pharmacists were also present, allowing for free consultations to occur following the checkup. The Sant Nirankari Mission, in collaboration with the Heart and Stroke Foundation, is paving the way to
to a healthier tomorrow by educating the community and also helping remediate the risks for one of the leading causes of death in the South Asian community. And coming to Sant Nirankari and just witnessing the unity in the community is fabulous. I think the community is so welcoming to us, so I feel at home, absolutely. The people are very pleasant to be around. So I salute the organizers today for organizing this very community-based health clinic. Yeah. Health needs to be addressed at the community level, right? Take the fear and intimidation out. And of course, blood pressure, cholesterol, weight, those are all issues that impact all of us. And so allowing folks to come in for this free health clinic is a crucial, wonderful step. You know, health, if we don't have it, you're not going to have anything else. And so, so important to be healthy. The mission is one of the places that encourages that. And so, you know, spirituality is also on the outside as it is on the inside. So I'm so happy to be here. It's a cliche, but you know, we worked with Sant Nirankari Mission Canada before. I came here a year ago. We did a CPR event with you guys. And I just feel it's a community that is really engaged, as you see the huge lineups. In line with the vision of His Holiness Babaji, we're to keep our community clean, our city clean, our country clean, and overall, the world clean. On September 12th, Sevadal members of Toronto SNN cleaned their adopted 4 kilometer long. If we have a clean environment of the world, as citizens of the world, we will have a healthy community, a healthy society. And if we have a healthy society, we can serve one another and love one. SNM Toronto is a partner of the city's Adopt a Road program. In this program, the regional roadsides are cleaned and cleared of garbage, and thereby contributing to a clean and healthy community. Adopt a Road is a way for environmentally conscious citizens to make personal contribution to a cleaner environment. Dedicated members of SNM Toronto are regularly participating multiple times every year in this cleanup initiative. The National Ladies Samagam was held on the 26th of September in Birmingham at the Wellness Center. Like, we are one world and we have to be in love with all the people and have peace with everyone. Having a society where people love each other, treat each other, one another with respect. A world without walls begins in the mind. To me, if we remove our limiting self-beliefs, we are able to remove our judgments. And when we're able to remove the judgments we see, then when we change the way we look at the world we look at actually changes. People from different part of the world, they love each other and there's no conflict. A world without walls is when I don't see no color, no status, no religion barriers, but just you and me and us all, living and understanding with compassion and tolerance that every individual in this world. Picture like people coming together and working together as one and not like fighting against each other. Cầu hòa bình cho tất cả các tôn giáo vì chúng ta là một gia đình. One love. A world without walls means to me that there shouldn't be any barriers and that we should spread the message of oneness importantly. The change all begins with me. There's a saying, charity begins at home. This is all very easy if you just follow Babaji's teachings and these 5 pledges. World without walls का सुनते ही जो पहली बात ध्यान में आती है वो एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ प्यार हो. If there is no walls, we can share our sorrows and celebrate our happiness all together. It's a world where love needs no permission to enter. With the blessings of His Holiness Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, New York branch for the very first time took part in the Hicksville annual Diwali festival. Volunteers of the mission had acquired a booth to help promote the message of the mission in form of publication and blood drive presentation stands.
team of devotees was also designed for general introduction about the mission as well as public interaction. Acknowledging the soothing effect of spiritual hymns, youth of the mission had prepared and presented the oneness dance at suitable frequency. With the benevolence of His Holiness, some eager individuals approached the booth and expressed their curiosity in terms of mission's ideologies and its take on current state of affairs. Sentiments ran over when three different devotee families stumbled upon the booth and were in complete disbelief as they had been estranged from the Nirankari family for over a few years. Now that they came to realize that their very own city of New York too had a full-fledged branch, their eyes welled up with tears of sheer joy. Organizers of the festival invited the Oneness Dance team to present a grand finale on the prime stage, which was further enhanced as a great number of local devotees joined in as well. After news from all across the globe, it's time to watch the social efforts being made by the mission and its volunteers in SNCF Diary. संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से समय समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर सामाजिक सेवाओं के द्वारा मानवता का कल्याण किया जा रहा है, जिनमें रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, शिक्षा संबंधी योगदान और हेल्थ चेकअप कैंप प्रमुख हैं। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत 19 सितंबर को दिल्ली में नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान का एक ट्रायल किया गया, जिसमें SNCF के वॉलेंटियर्स और सेवादारों ने इन स्टेशनों की विधिवत रूप से सफाई की। आपको बता दें कि SNCF की ओर से ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक महीने में लगभग सभी स्टेशनों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें SNCF के वॉलेंटियर्स और सेवादारों द्वारा इन रेलवे स्टेशन परिसरों की सफाई की जाएगी, जिसकी विधिवत शुरुआत आगामी 2 अक्टूबर को की गई और इसकी विस्तृत रिपोर्ट हम आपको अगले महीने के एपिसोड में दिखाएंगे। रक्तदान की लड़ी में सितंबर के महीने में भी SNCF की ओर से अनेकों स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए, जिसमें राजस्थान में घरसाना और जयपुर, महाराष्ट्र में धारावी, डोंबिवली और पवई, हरियाणा में धारूहेड़ा और लालरू, चंडीगढ़ में मनीमाजरा और जीरकपुर, पंजाब में फगवाड़ा, उत्तराखंड में पुरौला मुख्य स्थान रहे। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में निरंकारी भक्तों ने रक्तदान कर सद्गुरु बाबा जी के परोपकार पूर्ण शिक्षाओं को सार्थक करने का प्रयास किया। इसी तरह स्थान स्थान पर लगाए जा रहे मेडिकल चेकअप कैंप्स की लड़ी में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से 20 सितंबर को उल्लास नगर में एक मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी और उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी गयी। इसी तरह का एक मेडिकल चेकअप कैंप पुणे में भी लगाया गया, जिसका लोगों ने भरपूर लाभ उठाया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहा है। SNCF की ओर से BMC स्कूलों में शिक्षक दिवस के अवसर पर मेधावी छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसी तरह निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह जी मेमोरियल सोना कॉलेज में एक साइंस फैकल्टी की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन सदगुरु बाबा जी ने स्वयं किया। जहां अगस्त के महीने में दिल्ली में ट्री प्लांटेशन किया गया, वहीं सितंबर के महीने में मुंबई में भी एक विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें SNCF के वॉलेंटियर्स और सेवा दल के भाई बहनों समेत हजारों की संख्या में निरंकारी भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में शहर के अनेकों गणमान्य सज्जनों की उपस्थिति में शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने पेड़ लगाकर इस आयोजन का शुभारंभ किया। इसमें 1,00,000 पेड़ लगाने के टारगेट को पूरा करने का प्रयास किया गया। मिशन जो है वो सालों से वो सच्चाई का संदेश जनमानस तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा है और आज भी ये संदेश जनमानस तक देने का एक प्रयास कर रहा है। आज भी हो रहा है वो कार्य, निरंतर ये होता आ रहा है।
एक दुसरी दोन पाच लोकांशी जमलेले आहेत तर तमाम तुम्ही सगळेजण जमलेले आहात युवसैनिक आहात युवसैनिक आहात त्याच्यामुळे तुम्हाला सुद्धा मी खास धन्यवाद देतो तुमचं सुद्धा कौतुक करतो कारण ही जर का जाग आली तर मला वाटतं आत्ताचा जो काही दुष्काळ आहे आणखी काही संकट निसर्गाची हानी झाल्यामुळे होऊ शकतात ती होणारच नाही आणि हे काम जे आहे ही गोष्ट खरी आहे की माझ्या मनामध्ये पहिली शंका होतीच की झाडं लावल्यानंतर लावणं खूप सोपं असतं पण जगणार कशी जगवणार कोण ती झाडं त्या वयामध्ये जगवावी लागतात आणि एकदा जर का ती मुळे धरतील मग तुम्हाला त्याची आवश्यकता आहे मग ते तुम्हाला मदत करायला लागतं मग सावली देतं फळ देतं फूल देतं पण पहिली निगा पहिली काळजी ही आपण राखायला एक संत निरंकारी पंथाची सगळी लोक आलेले तुम्हाला एक खास धन्यवाद देतोय संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशन महाराज समाज के उस हर कार्य में अपने पूरी वॉलंटियर के साथ वृक्षारोपण हो स्वच्छता अभियान हो किसी तरह का हो और किसी मानवता का जो अभियान इन्होंने चलाया है इसलिए आज वृक्षारोपण एक इसका एक छोटा सा अंग है और ऐसे लाखों वॉलंटियर्स पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे दुनिया में ये समाज के लिए मानवता के लिए कार्य करने जा रहे हैं टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक वी विल रिटर्न विद मोर न्यूज ऑफ दिस मंथ स्टे ट्यून्ड न्यूज दुबई आपके लिए लेकर आता है निरंकारी जगत की सूचना व समाचार जिसमें आप देखेंगे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा सेल्वेशन टूर्स में निरंकारी मिशन की इंटरनेशनल खबरें मिशन ओवरसीज में चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा दिए जा रहे सामाजिक योगदानों की जानकारी SNCF डायरी में और साथ ही समाज के प्रतिष्ठित सज्जनों की विचारधारा से रूबरू होंगे एक खास मुलाकात में देश विदेश के कोने कोने में हो रही निरंकारी जगत की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज दुबई के बाद एक बार फिर से स्वागत है और अब समय है हमारे खास सेगमेंट यानी एक खास मुलाकात का And with us now is Mrs. Raj Rajdan who was here at the Samagam today in Atlanta, Georgia in USA. Mrs. Raj Rajdan, please tell us a little bit about yourself. Well, I'm associated with the Senior Citizens Program. I'm the director, executive director of the Senior Citizens Program. Which has been in existence for the last 18 years. We have about 600 members, about 200 come to every program. Mrs. Swaraj Bhandari is one of my seniors who attends the program, and she has been coming to our program since the first day. I also wear another hat of being the regional vice president of the National Federation of Indian Americans. And this is a national organization. Share with us, how did you like today's Samagam? You know, the fact that His Holiness Babaji is here, the message of oneness, the message of a world without walls. Share your thoughts with us. Babaji and Mataji have been spreading a very nice thought and spreading it amongst the community has been wonderful. This idea of a wall with bridges makes a lot of difference to mankind. I think it should. And having no walls and building bridges is the best idea he can suggest to the entire world. How did you like all the messages that, you know, the different speakers gave? There were even singers, there was poetry. How did that make you feel? What did you find in the message? I really enjoyed the idea of the youth being in front and not the elders. You know, everywhere we go, we always see the older generation come and say, oh, this is, we are doing this for our future generation. But here at this Samagam, I saw it was the children who were portrayed. And that is what made my day. I like to work with seniors and with children. Is this the first time that you heard His Holiness Babaji's message? I have come here before. I have attended every program of Babaji, and today I asked both of them
to give me blessings so that I carry on the work of seva. And this should come from within the heart and not just doing things. No, it should come from within the heart. And that is what makes the world tick, according to me. Mrs. Radhan, thank you so much. We've been, you know, so fortunate to have you here. And we really, really appreciate you taking the time to come out to the Samagam and to talk to us. Thank you. Now, it's time to move towards our last section of this episode, other news. सितंबर के महीने में अनेक महिला समागमों का आयोजन किया गया, जिनमें दिल्ली, फरीदाबाद, कुशीनगर, अकोला, उल्लासनगर, भिवंडी, हनुमानगढ़ और पोर्ट ब्लेयर प्रमुख रहे। इन समागमों में गीत, कविता व व्याख्यानों के माध्यम से महिलाओं ने मिशन के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया। प्रचार विभाग की ओर से 4 व 5 सितंबर को कर्नाटक बेंगलोर में प्रचारक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रचारकों का मार्गदर्शन किया गया। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे समय की, और देखिए न्यूज़ डिवाइन का समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला, लेकिन समय के साथ चलना भी जरूरी है। This was our humble effort to bring up to you the activities performed by Sant Nirankari Mission in the month of September through this episode of News Divine. We hope you liked it. और दर्शकों, अपने सुझाव हमें अवश्य लिखें। हमारा ईमेल आईडी है newsdivine@nirankari.org. तो अगले महीने फिर होगी मुलाकात निरंकारी मिशन की कुछ और ताज़ा और खास खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त समता को। नमस्कार, धन निरंकार।